Everyone, my name is Vaspi and I'm a dietitian by profession. In my profession, it's really important to keep a check in your healthy lifestyle and to have a healthy eating habit. With that, it is really important to have a very positive mindset. And of lately, I have taken up few counseling sessions with Pallavi ma'am, and I must say I have seen a very huge transformation in myself. I self-doubt less, I feel more confident about things, I have more positive affirmations in life. All my stress and anxiety has just gone away, and I must say she's a very empathetic and a very kind listener. I have opened up to her like a dear friend of mine, and I thank her so much from the core of my heart that she has helped me in such a positive and in such a lovable manner that I could ever imagine a coach would support to her to his or her student. And I'm really glad to have a mentor, a coach like Pallavi ma'am. Shout out to her and thanks a lot. Hello guys, I'm Anuj Khandekar. I'm an inventor and a researcher, and as my profession demands, I have so many failures before a big success. So how to deal with the stress coming out of these failures? Fortunately, I got to know about the sessions on stress relief from Pallavi, and we had few sessions on stress relief and I loved them, especially those EFT tapping technique and affirmations helped me a lot. So from my personal experience, I would like to recommend you all, you can follow her on the Insta and YouTube. And she is coming up with some good content on stress relief as a 3 days masterclass. So guys, you can join in. Thank you. Hello everyone, I am from Goa. My name is Mr. Gunjan Haldankar. Okay, I am a student. Okay, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं. सो जब इंजीनियरिंग कर रहा था उससे पहले बहुत ही लाइफ में थोड़े मतलब माइंड ब्लॉक्स में नेगेटिविटी हो रही थी, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहा था जो कि मैं सबकॉन्शियसली हील कर सकूँ. ओके, लेकिन कुछ मिल ऐसा नहीं रहा था. फिर क्या हुआ था कि मतलब जब इंस्टाग्राम पे जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था, जब मैंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तब बहुत लोगों के बारे में पता चला मेरे को. फिर जब मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड का जब मैं एक लाइव देख रहा था, उस समय पर मैंने पल्लवी मैम का भी लाइव देखा और उनकी बातें सुनकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ. फिर उनको भी फॉलो करना स्टार्ट किया मैंने. फिर हमारी बातें होती थी. फिर एक बार वो सेशन देने वाली थी लेकिन मेरा कुछ कारण की वजह से मैं ले नहीं पाया था. लेकिन फिर अगर मेरे को फिर से चांस मिला फिर एक सेशन अटेंड करने का, जो कि स्टार्टिंग का ट्रायल सेशन था, और जो कि अटेंड करने के बाद मेरे को इतना सुकून मिला, मतलब इतना ईज था माइंड में कि ऐसा लगा कि पहले कुछ तो था मेरे माइंड में जो मेरे को रोक रहा था कुछ चीजें करने से. मतलब श्योर नहीं था मैं मेरे माइंड में हो क्या रहा है. सब कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें चल रही, क्योंकि बचपन से क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, तब से अब तक बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी चीजें माइंड में भर जाती है और वो बाहर नहीं निकलती, अंदर ही रहती है, और हम जो कॉन्शियसली करते हैं ना उसको वो मतलब रोक के रखती है और करने नहीं देती है, मतलब फियर बन जाती है. लेकिन जब आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हो तब इतना इजीनेस, इतना सुकून मिलता है कि मतलब आपको लगता है कि हाँ, एक नई लाइफ आपको मिल गई है. और ऐसा मेरे को फील हुआ उस समय पर जब नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई और उन्होंने एनर्जी हीलिंग कुछ ऐसा ऐसा करके उन्होंने मेरा पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को ये किया. फिर पूरा वीक मैं भी नोटिस कर रहा था, अभी मतलब वीक नहीं हुआ है, एक या दो तीन दिन हुए हैं, मैं नोटिस कर रहा था खूब पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं मेरे में. मतलब खुश रहने लगा हूँ अभी, और मतलब अभी थिंकिंग कर रहा हूँ तो ओवर थिंकिंग नहीं हो रहा है, थिंकिंग हो रहा है, मतलब जो कि थिंक करना चाहिए वो भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रहा है वो भी प्रोडक्टिव पॉजिटिव वे में हो रहा है. ओके, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को पल्लवी मैम का सेशन, और सुपर्ब है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कह सकते हो गारंटी है. लेकिन वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, लेकिन सुपर्ब है पल्लवी मैम का, आप श्योर अटेंड कीजिए, ये मेरी टेस्टिमनी है.